नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह से कल भोर 4:19 तक रहेगी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को रक्षाबंधन के पांचवें दिन रक्षा पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दूर्वा और सरसों से गणपति जी के हरिद्रा रूप का पूजन करने का विधान है। आज ही भगवान शंकर के पंचम रुद्रावतार भैरवनाथ की पूजा का भी विशेष महत्व है। आज सुबह से कल की सुबह 6:45 तक धृत योग रहेगा। इस योग में घर की नींव रखना आजीवन सुख सुविधाएं देता है। साथ ही आज शाम 4:12 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यजिर्वेद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से कल की भोर 4:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 अगस्त को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 3:41 तक और शाम 5:45 से कल की सुबह 5:47 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 तारीख की सुबह 5:53 से सुबह 7:59 तक और सुबह 10:15 से दोपहर 2:54 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 3:41 तक और शाम 5:45 से शाम 7:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 3:41 तक और शाम 5:45 से शाम 7:27 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 3:41 तक और शाम 5:45 से फिर रात 10:19 तक और उसके बाद रात 11:55 से कल सुबह 5:47 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 तारीख को सुबह 5:48 से 6:43 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:45 से रात 10:19 तक और फिर रात 11:55 से भोर अगली सुबह 4:19 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों के मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:56 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:07 से 10:47 तक। मुंबई सुबह 9:31 से 11:07 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:06 से 10:47 तक। लखनऊ सुबह 8:53 से 10:32 तक। भोपाल सुबह 9:10 से 10:48 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से 10:04 तक। अहमदाबाद सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:07 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:05 से 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व।
घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में चाहिए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोचित रहे आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज शाम तक कोई खुशखबरी मिलेगी। आज किसी व्यक्ति की मदद करने से मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में ही समझदारी है। संतान के साथ संबंध बेहतर होने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज जीवन साथी आपकी कोई समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको सकारात्मक सलाह भी देंगे। बच्चे आज खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे। नए कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। सामाजिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कोई खास खबर लेकर आने वाला है। आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपके विचारों से लोग सहमत होंगे। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी रचनात्मक काम से आपको फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज अधूरे काम पूरे होंगे, इससे खुशियों में इजाफा होगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करने से बड़ी सफलता मिलेगी। ऑफिस में कोई नया काम सीखने का अवसर मिलेगा। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को आज खुशखबरी मिलने वाली है। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आत्मसंयम की जरूरत है। आज बिजनेस के बारे में कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई धमाकेदार खबर लेकर आया है। सफलता पाना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। आज छोटी संतान की तरफ से कोई चिंता हो सकती है, जिससे आपका मन पूरे दिन परेशान रहेगा। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज छात्रों को पढ़ाई को लेकर चिंता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आज गुस्सा करने से बचना चाहिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। इस राशि के लेखक आज कोई बेहतरीन सर्जन यानी कि सृजन करेंगे, तो जल्दी से पेन पेपर उठाइए। निवेश के मामले में आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आपकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा, निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज बनाई गई योजना सफल रहेगी। साहित्यकारों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। जीवन साथी की सलाह रंग लाएगी। किसी मित्र के साथ अंतरंगता बढ़ेगी। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान सुख मिलेगा। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। जीवन में सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज जरूरत से ज्यादा एकाग्रता के कारण कोई एक पक्ष उपेक्षित रह जाएगा। आज वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आज बॉस लंबी मीटिंग कर सकता है, जिससे दिमागी थकान होगी। किसी से ज्यादा उम्मीद न रखें और कहीं इन्वेस्ट करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज किसी पुराने मित्र से बात होगी। सेहत के मामले में आज खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस राशि के मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा देने वाला है। आज रोज की अपेक्षा दुगना मुनाफा होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। काम को लेकर कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी योजनाएं आज समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार में आपसी सौहार्द बढ़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे।
भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे आपको अपने ऊपर गर्व करने की कोई नई वजह देंगे। इस राशि के कारोबारियों को उम्मीद से अधिक लाभ होगा। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप अपने कारोबार को नई गति देने का प्लान तैयार करेंगे, जिससे आगे चलकर आपको फायदा भी होगा। महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। घर के कार्यों में बच्चे आपका सहयोग करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। साथी कार्यों में उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी के प्रति अपनी राय को आज अपने तक ही सीमित रखें और आज थोड़ा हेल्दी फूड खाने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के विद्यार्थी अपना समय अध्ययन में लगाएंगे। आज आप किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने का मन बनाएंगे। दूसरे लोग आपकी योग्यता से काफी प्रभावित होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज अचानक धन लाभ होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। आपका आध्यात्मिकता की ओर रुझान होगा। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। करियर में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बच्चे अपना होमवर्क समय से पूरा कर लेंगे। छात्रों को आज करियर में तरक्की सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं, और जिनकी आज मरीज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को कुछ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी, जिससे सभी लोग खुश होंगे। मूलांक 2, आपके कामों में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आज दूर होंगी। मूलांक 3, आज का दिन उत्तम रहेगा। कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 5, आपका आज किसी जरूरी काम में जीवन साथी से का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मूलांक 6, दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, कोई दोस्त आपकी मदद भी मांग सकता है। मूलांक 7, आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा, जिससे लोग आपसे खुश बने रहेंगे। मूलांक 8, आज आप किसी की मदद करेंगे, जिससे आपका मन खुश होगा। मूलांक 9, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन साथी के साथ खूब सारी बातें करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सूखे हुए फूलों के बारे में। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इसके बजाय ताजे और खुशबू वाले फूल रखने चाहिए। ताजे फूल अद्भुत रूप से ऊर्जा का सृजन करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। चीनी वास्तुशास्त्र में इसे यांग एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ताजे फूल जहां कहीं भी रहते हैं वहां अन्य प्राणियों को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सराबोर कर देते हैं, लेकिन यही फूल सूखते ही निगेटिव ऊर्जा छोड़ने लगते हैं और सूखे फूलों के आसपास रहने वाले जीवित मनुष्य अपनी ऊर्जा का क्षय महसूस करने लगते हैं। बीमार व्यक्ति के कमरे में सिर्फ ताजे फूलों का गुलदस्ता ही रामबाण साबित होता है, लेकिन यही फूल सूखने के बाद उनके लिए विषकारक बन जाते हैं। इसलिए फूलों को सूखने के बाद उन्हें तुरंत वहां से उठा देना चाहिए। कल हम इस बारे में और बातें करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह से ही कल की भोर 4:19 तक रहेगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को रक्षाबंधन के 5वें दिन यानी रक्षा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। रक्षा पंचमी उड़ीसा में मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी नहीं बंधवा पाए तो रक्षा पंचमी को रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात सूत्र न बिखरने का प्रतीक है, क्योंकि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में उन्हें एकत्र करता है। और माला सूत्र की ही तरह रक्षा सूत्र भी रिश्तों को जोड़ने का काम करता है और आई की एनर्जी वी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्वरूप है, रिश्तों को एक धागे में पिरोकर रखने का नाम ही
रक्षा सूत्र, रक्षा पंचमी। और रक्षा पंचमी के दिन एक एक्ट और होता है, दूर्वा और सरसों से गणपति जी के हरिद्रा रूप, हरिद्रा गणपति। हम बार बार उनका मंत्र आपको बताते रहते हैं। आज के दिन दूब घास और पीली सरसों, अगर पीली हो तो ज्यादा अच्छी, न मिले काली से कर लीजिए, लेकिन सरसों होनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही भगवान शंकर के पंचम रुद्रावतार भैरवनाथ की पूजा का भी विशेष महत्व है। नाथ संप्रदाय के लोग इस दिन भैरव के सर्पनाथ स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कोयले से काले रंग के सांपों का चित्र बनाकर और घर के पिछले हिस्से में नंदी का चित्र बनाकर उनकी पूजा भी करने का भी एक विधान है। हम ऐसा नहीं करें कि आप भी ऐसा कीजिए, लेकिन हम आपको सूचित कर रहे हैं कि ऐसा भी एक विधान है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हरिद्रा गणेश, भैरवनाथ और भगवान शिव के तारकेश्वर स्वरूप को धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी पर दूर्वा सिंदूर और लड्डू, भैरव जी पर उड़द गुड़ और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद ताल के पत्रे पर त्रीन तारकेश्वराय नमः लिखकर घर की उत्तर दिशा की दीवार पर किसी धागे में टांग दें। त्रीन तारकेश्वराय नमः। एक पीले रंग की पोटली में दूर्वा अक्षत पीली सरसों कुश और हल्दी ये भी बांधकर टांग दें। गणेश जी, भैरव बाबा और शिव जी को रक्षा सूत्र का स्पर्श करा के घर के सभी सदस्यों को बांधिए। इसके बाद बाएं हाथ में काले नमक की डली अथवा उड़द लेकर गोमेदक की माला से इस मंत्र का एक बार जप करें, कुरुल्ले हुम फट स्वाहा। अब देखिए यहां पर गोमेद की अंगूठी आपको मिल जाए जरूरी तो है नहीं, मतलब गोमेद की माला मिल जाए जरूरी नहीं। अगर आप पर गोमेद रखा हो तो आप दाहिने हाथ की बीच की उंगली में गोमेद पहनकर तब इस मंत्र का जप कर लीजिए, कुरुल्ले हुम फट स्वाहा। बड़ा सुंदर तंत्रोक्त मंत्र है, इसकी भी कभी किसी दिन विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। रात के समय नाग देवता और दस दिक्पाल आदि का खीर से पूजन करके उसे घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। साथ ही घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में थोड़ा सा काला नमक और उड़द एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर छुपा कर रख दें। ऐसा करने से परिवार के लोगों की हर तरह की बुरी शक्ति से रक्षा होती है और प्रभु प्रसन्न रहते हैं। तो ये थी आज रक्षा पंचमी की चर्चा, और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह से ही कल की तरह, कल की सुबह 6:45 तक, आज सुबह से शुरू करके कल सुबह 6:45 तक धृत योग रहेगा। धृत योग में भवन का शिलान्यास या भूमि पूजन करना आजीवन सुख सुविधाएं देता है। आज शाम 4:12 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराभाद्रपद 26वां नक्षत्र, देखो 26वां 6 और 2 8, इस अंक का मालिक भी शनि है। वैसे इसका मतलब होता है भाग्यशाली पैरों वाला। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और वनस्पतियों में इस नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से। आज शनिवार भी है तो शनिदेव के दोषों से मुक्ति के लिए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के दौरान जन्मे जातक या उन मतलब जो लोग उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हों उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को, फलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये थी चर्चा आज धृत योग और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की, और अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में। यहाँ आपको बता दूं कि आज की ग्रह स्थिति में सब लोग ये उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आपको कोई प्रसिद्धि पाने से रोक रहा है, बार बार आपके काम में अड़ंगा लगा रहा है, तो आज थोड़ी सी साबुत उड़द में 2-4 बूंद सरसों का तेल डालकर शनि देव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। आज ऐसा करने से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और अगर आप लंबी आयु पाना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में शनि स्तोत्र का पाठ करें या ऑडियो सुन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबी आयु का वरदान मिलेगा और आप ताकतवर बनेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करें, नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिकंठाय निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस मंत्र को आप एक बार फिर से सुनिए, नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिकंठाय निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। आज के दिन इस मंत्र से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके बिजनेस जो है
उसको नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। शनि की ढैया के प्रभाव से अगर बचना है तो आज एक कटोरी में सरसों के तेल में 1 रुपए का सिक्का डालें और अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखें और उस तेल को शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को दे दें। ये क्रिया आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो विशेष सफल नहीं होगा। शनि की ढैया के प्रभाव से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ उलझ गए हैं और उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आज शनिवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, देखो शनिवार के दिन जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ जाए तो शनि संबंधी सारे उपाय तीर की तरह काम करते हैं। आज के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दीजिए और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत जल्दी छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शनिदेव के इस विशेष मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनय चराय नमः। आज इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपको जल्द ही शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में बार बार आती परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आज स्नान के बाद शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शनय चराय नमः। आज इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपके जीवन में बार बार आती परेशानियां स्वयं ही दूर होती जाएंगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और अगर आप नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में कुछ, तो आज शनि स्तोत्र में दिए शनिदेव के इस मंत्र का जप करें। अलो दृष्टि नमस्ते स्तु संवर्तक नमोस्तु ते, देखो अधो दृष्टि नीचे दृष्टि वाले नमस्ते अस्तु नमस्ते है संवर्तक नमोस्तु ते, नमो मंदगते तुभ्यम निस्त्रिंशाय नमोस्तु ते। आज इस मंत्र का जाप करने से आपके बिजनेस के लीगल मैटर्स को सुलझाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की पेड़ की जड़ में अर्पित कर प्रार्थना करें। पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग के चमड़े का जूता या काले रंग का छाता भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से, विशेष रूप से जूता भेंट करने से, आपकी आमदनी में बहुत जल्द बढ़ोतरी होगी। अपने देखो, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी राशि और लग्न वृष है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शनि आपका भाग्यश है तो ये उपाय आपको नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाने के लिए। आज स्नान आदि के बाद शनिदेव की आराधना करें। एक काले रंग का कपड़ा लेकर किसी लोहार बढ़ई या किसी मोची को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर बुरी नजर उधर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी आपको। आप किसी काम में फैसला लेने में अगर असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हैं तो आज अपने घर के बाहर नीम का पेड़ लगाएं और उसकी जड़ में लगातार पानी डालें। नीम का पेड़ आज नहीं लगा पाए तो किसी भी मतलब माली आज पेड़ नहीं लगा पाए तो आज किसी भी नीम के पेड़ में पानी डाल दीजिए, नमस्कार कर लीजिए, बाद में लगाते रहिए। आज ऐसा करने से आपके घर को हर बुरी नज़र से बचा कर रखने में आप कामयाब होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शनिवार के दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, धैत्य योग और रक्षा पंचमी के बारे में। विशेष संयोग का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, आज हमने इसके बारे में चर्चा की। एक बार फिर याद दिला दूं कि सभी राशि के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, जहां एक उपाय नहीं करना है वो हमने बता दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, ये अवसर आपके लिए लाभकारी होंगे। बी, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, घर पर कोई मेहमान भी आएगा। सी, किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। डी, जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे जिससे आशीर्वाद मिलेगा। ई, छात्रों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तभी सफल होंगे। एफ, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, बेहतरीन पल बिताएंगे। जी, परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा, रुझान आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। एच, ऑफिस के उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। आई, करियर में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, यह सफलता बहुत शानदार होगी।
ये माता पिता का प्यार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, कि आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, सही योजना से करियर में बदलाव आएगा। एल, आज करीबियों से आर्थिक मदद मिलेगी जिससे आपके काम पूरे होंगे। एम, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा, अचानक कोई खुशखबरी मिलेगी। एन, अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचे वरना आपका भेद खुल सकता है। ओ, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। पी, आज बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, उन्हें पढ़ाइए और उनके साथ अपना अनुभव बांटिए। क्यू, लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। आर, कामकाज की अधिकता सेहत पर थोड़ा असर डाल सकती है, आप थकावट महसूस करेंगे। एस, आज का दिन आपके लिए अच्छा संदेश लाया है, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बेहतर रहेगा। टी, आपको किसी से कोई उपहार मिलेगा, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। यू, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, साथ ही आपके एक एक करके सारे काम पूरे होंगे। वी, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा जिससे लोग बहुत खुश होंगे। डब्ल्यू, परिवार में चिंता का वातावरण बना रहेगा जिससे कुछ टेंशन रहेगी। एक्स, लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपके काम से जुड़ना भी चाहेंगे। वाई, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, बिजनेस में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जेड, सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर होंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर के दर्शन। ये मंदिर सोनपुर में स्थित है। भगवान विष्णु के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान ने त्रेता युग में करवाया था। कहा जाता है कि सीता स्वयंवर के लिए जाते वक्त श्री राम ने यह मंदिर तब बनवाया था, बाद में राजा मानसिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंडक और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं। आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि कल की भोर 4:19 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल पूरा दिन और पूरी रात पार करके 10 तारीख की सुबह 6:43 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातून मुंह में डालना, यहां तक कि नीम की फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा क्या है। कल सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। कल फोन पर बातचीत करते समय, ऑनलाइन कुछ परचेज करते समय या किसी से कोई एग्रीमेंट करते समय आप किस दिशा में अपना मुंह रखें कि आपको घर में, परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, आपको सर्वत्र सफलता प्राप्त हो। तो कल हमारी मुलाकात तो 7:30 होगी। हो सकता है आपको उसके पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाना हो, या आपको कोई और काम करना हो, या आपको फोन पे किसी से बात करनी हो, या कहीं जाना हो। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यपवक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।